ये पासपोर्ट होल्डर होता है उसकी न जात होती है न धर्म होता है, वो पहले भारतीय होता है फिर उसकी जात अधर्म होता है। और कोई भारतीय अगर मुस्लिम होगा तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? बहुत से जो ऑफिशियल 120 जो अभी जहाज से आए हैं उसमें सब समाज के लोग हैं। अलग चिंताजनक है। और भारत सरकार ने वहाँ पर बहुत कोशिश के बाद अपनी एम्बेसी के लोगों को अभी ले लिया, जहाज लैंड होने वाला है। 120 से ज़्यादा भारतीय जो दूतावास में थे, ITBP के जो जवान थे, उनको निकाल लिया गया। अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। तालिबान जिस तरह की भाषा बोल रहा है वो ज़मीनी हकीकत से दूर है। और भारत के लिए भारत सारी स्थिति पर नज़र बनाए हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भारतीयों को कोई नुकसान नहीं होने दिया और बहुत से भारतीयों को हमारा C-17 जहाज लेकर आया है। लेकिन वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत दर्दनाक है। और ऐसी स्थिति न हो, दुनिया के लिए तालिबान खतरा न बने, जो गारंटी उसने दी उस पर उसको अमल करना चाहिए। सर, क्या आपको हिंदुओं को बुलाया जाएगा कि सभी लोगों को वहां से बुलाया जाएगा? हर भारतीय को बुलाया जाएगा जो भारतीय हैं। लेकिन जो अफगान के भी नागरिक हैं, कुछ सिख समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, जो अफगानी नागरिक हैं उनको अगर वो हमारे यहाँ आना चाहेंगे उनको भी बुलाएंगे। लेकिन जो भारतीय हैं उन सब भारतीयों को लाना हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि हिंदुओं को बुलाया जाएगा। जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं वो सिर्फ भारतीय हैं, उन सबको बुलाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं। और जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर होता है उसकी न जात होती है न धर्म होता है, वो पहले भारतीय होता है फिर उसकी जात अधर्म होता है। और कोई भारतीय अगर मुस्लिम होगा तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? बहुत से जो ऑफिशियल 120 जो अभी जहाज से आए हैं उसमें सब समाज के लोग हैं ये। लेकिन जो अफगान में हिंदू और सिख हैं जिनका धर्म के वजह से खतरा होगा उनको जरूर, हमने पहले भी नागरिकता दी है, जो उनको नागरिकता देंगे। लेकिन कोई भी भारतीय होगा, मान लीजिए मैं बिहार में, मैं अफगानिस्तान में होता तो मुझे क्या कहते कि आप मुस्लिम हैं इसलिए आपको नहीं लाएंगे? अफगानिस्तान के लोगों को भारत में सेवा दी जाएगी जो यहाँ आएंगे, क्योंकि उनको सब पाकिस्तान जाएंगे? अभी बहुत टू अर्ली टू से, अभी इन चीज़ों के बारे में विदेश मंत्रालय सारी चीज़ें बताएगा। अभी तो ये है कि अफगानिस्तान के विषय पर हमारी सरकार पूरी नज़र बनाए हुए। हमने यमन में भी जब संकट आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत करके अपने मंत्री को भेजकर वहां से